साकार हेबाकू जाउछि प्रधानमंत्री स्वप्न पूर्वोत्तर विकास रे माइलखुंट हेब टीएफएल बा तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड 2024 सेप्टेम्बर मास 10 सुधा पूर्णांग रूप नै कार्यक्षम हेब देशर प्रथम कोल गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्रोजेक्ट। तबे एही प्रकल्प कार्यर अग्रगति संक्रांत रे समीक्षा सह प्लांट परिदर्शन पई आज तालचेर एफसीआई रे पहुंचिछंती केन्द्र रसायन और सार मंत्री मनसुख मांडव्य एवं केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। टीएफएल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग परिसर रे वृक्षारोपण परे उभय मंत्री विभागीय अधिकारी मानक उपस्थित रे विस्तृत भाव निर्माणाधीन प्लांट कार्यर अग्रगतिर समीक्षा करिवे। या परे उभय टीएफएल रो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग परिसर रे प्लांट कार्यर समीक्षा करिवे। तबे पूरा चित्र देखुछंती, ए चित्र आसी पहुंचुची जे तालचेर टीएफएल बा तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड जो निर्माण कराया जाइछि तार परिसर दृश्य जे समीक्षा करुछंती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं मनसुख मांडव्य एवं 2024 सेप्टेम्बर मास 10 सुधा पूर्णांग रूप नै कार्यक्षम हेब देशर प्रथम कोल गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्रोजेक्ट। ए प्रकल्प कार्यर अग्रगति समीक्षा रे संक्रांत रे समीक्षा करुछंती एवं प्लांट परिदर्शन पई तालचेर एफसीआई रे पहुंचिछंती केन्द्र रसायन और सार मंत्री मनसुख मांडव्य एवं केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ये पूरा चित्र देखुछंती जे वर्तमान अधिकारी मानक सहित मध्य आलोचना करुछंती एवं यार संपूर्ण समीक्षा मध्य चली। टीएफएल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग परिसर रे वृक्षारोपण परे उभय मंत्री विभागीय अधिकारी को उपस्थित रे विस्तृत भावे वर्तमान आलोचना करुछंती और हाइड्रोजन अलग करते साथ में यहां से नाइट्रोजन भी जाएगा और ये अमोनिया प्लांट भी जाएगा। अमोनिया मुझे चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहां पर आकर के वो अमोनिया बन जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से सेपरेट हुआ वो भी आगे जाएगा। आगे जो है यहां पर ये वाला प्लांट है यूरिया प्लांट, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर कन्वर्टर है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर सबसे जो हम क्या टावर है ड्रिलिंग टावर जो वहाँ पर यूरिया के दाने बनेंगे और वो बनने के बाद सीधा जो आगे जो है बैगिंग प्लांट है वहाँ से जाएगा और वहाँ से रेलवे से या ट्रक से कोयला में भी ऐसे ट्रक से भी ला सकते हैं और बाकी सर ये हमारी अधिक सूचना सहित प्रदीप्त महापात्र प्रतिनिधि सहित जोड़ी होती। प्रदीप्त वर्तमान तालचेर फर्टिलाइजर ये जो वर्तमान प्लांट निर्माण हेबो से प्लांट निर्माण नहीं समीक्षा करुछंती केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र सार रसायन मंत्री मनसुख मांडव्य जहाँ पूरा चित्र रही कौन या अधिक सूचना आसब कारण 2024 सुधा टार्गेट रखा जाइछि समस्त निर्माण काम सरिबो। निहाती भावे चिन्मय आप जो कथा कहले वर्तमान केन्द्र शिक्षा मंत्री केन्द्र सार और रसायन मंत्री उभय जो प्लांट चली विभिन्न प्रकल्प माने जो निर्माण धीन थी विभिन्न प्रकल्प जो मॉडल गुड़िक रही मॉडल रो नमूना वर्तमान से देखुं मॉडल रूम रे उभय केन्द्र मंत्री अच्छा टेक्निक करी प्रति जो निर्माण हो प्रकल्प जो मॉडल से अनुधान करुं उभय केन्द्र मंत्री एवं जो अग्रगति कार्य केते प्लांट रो अग्रगति कार्य केते मात्रा रे होईची आउ कोन कोन सब काम बाकी अछि केते जल्दी जहां पर कोथले टारगेट 2024 सुधा शेष होबार अछि तो ए दिगरे केते केते काम आगु को जाईची ए सब दिन सब पर आज उभय केन्द्र मंत्री आज जो वरिष्ठ अधिकारी माने अछंती तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड रो सेमानक सहित समीक्षा करिवे ता पूर्वरु जो मॉडल की तैयारी होईछे से मॉडल को से अनुध्यान करछंती एवं ए मॉडल अनुध्यान कला परे सीधा सलक प्लांट प्लांट भीतर को उभय केन्द्र मंत्री जिबे एवं सेठारे विभिन्न जो मॉडल जो प्रकल्प साइट बा प्रोजेक्ट साइट रहिछि प्रोजेक्ट साइट से निजे बुली की देखिबे उभय केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं केन्द्र सार रसायन मंत्री मनसुख मांडव्य उभय बुली की देखिबे एवं सेठु बुली की देखि आसीबा परे प्लांट परिसर रे थिबा कॉन्फ्रेंस हॉल बा कॉन्फ्रेंस हॉल रे वरिष्ठ अधिकारी मानक सहित बैठक करिवे समीक्षा करिवे एवं कोन कोन काम अग्रगति होईछि एवं केते परसेंट काम सरलाणी केउ केउ प्रोजेक्ट रो कार्य
କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଅନୁଦାନ ଏଇ ସାର କାରଖାନା ପାଇଁ ସାର କାରଖାନାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ହିଁ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ନାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ କାଲଚରର ସାର କାରଖାନା ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଇପାରିବ କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମ୍ସ କଥା କହିପାରିବା କାଲଚର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା କହିପାରିବା ପାରାଦୀପ ଫସଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ସହିତ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୁଭ ପକାଯାଉଛି ବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।